गुरु की महिमा का शास्त्रों में खूब बखान है, लेकिन वर्तमान में यह बात हकीकत से दूर नजर आती है। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के हाल तो और भी बुरे हैं। पढ़ाई को छोड़कर हर काम में उन्हें जोत दिया जाता है। टीचर के इस दर्द को लेकर निर्देशक जयंत गिल्डर ने चॉक एंड डस्टर नामक फिल्म बनाई है। एजुकेशन एज एजुकेशन, नॉट एज बिजनेस। विषय को लेकर दो राय नहीं है, क्योंकि यह अच्छा विषय है, लेकिन इस पर ऐसी फिल्म बनाना जो दर्शकों के मनोरंजन के साथ साथ उन्हें सोचने पर भी मजबूर करे, आसान बात नहीं है। इसी कठिनाई से फिल्म के लेखक और निर्देशक जूझते नजर आए। दो मुख्य पात्रों विद्या सावंत और ज्योति ठाकुर के जरिए बात कही गई है। ये दोनों कांताबेन स्कूल में पढ़ाती हैं। ट्रस्टी अपने स्कूल को बिजनेस के रूप में बढ़ाना चाहता है। उसे पुराने बुड्ढे टीचर्स पसंद नहीं है। वह कामिनी को नया प्रिंसिपल बनाता है। कामिनी टीचर्स को परेशान करती है। विद्या और ज्योति को स्कूल से बर्खास्त कर देती है, जो कि अपने काम में माहिर हैं। किस तरह से विद्या और ज्योति अपने आप को सही साबित करते हैं, ये फिल्म का सार है। विषय के इर्द गिर्द अच्छी कहानी नहीं बुनी गई है, साथ ही फिल्म की स्क्रिप्ट भी इस गंभीर विषय के साथ न्याय नहीं करती। शुरुआत ठीक ठाक है, लेकिन फिर कहानी रास्ता भटक जाती है और किस तरह से बात को खत्म की जाए यह लेखकों को सूझा नहीं है। फिल्म से जुड़े लोग ये बात भी जानते थे कि विषय बहुत रूखा है, इसलिए मनोरंजन के नाम पर कुछ ऐसे सीन परोसे गए हैं जो बिल्कुल प्रभावित नहीं करते। क्लाइमेक्स में तो फिल्म पूरी तरह बिखर जाती है, जब एक शो में कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर विद्या और ज्योति सवालों के जवाब देते नजर आते हैं। इस प्रसंग का फिल्म की कहानी से कोई खास लेना देना नहीं है। निर्देशक ने प्रतिभाशाली कलाकारों की भीड़ तो जमा कर ली, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट के अभाव में वे असहाय नजर आए। इमोशनल सीन उन्होंने जरूर अच्छे फिल्माए, लेकिन फिल्म पर उनकी पकड़ जब तब छूटती रही। शबाना आजमी, जूही चावला, गिरीश कर्नाट का अभिनय उम्दा है। दिव्या दत्ता की विग और ड्रेसेस स्तरीय नहीं है और उन्हें अजीब सा लुक देती है, लेकिन उनकी एक्टिंग बेहतर है। जैकी श्रॉफ छोटे और महत्वहीन रोल में नजर आए। क्लाइमेक्स में ऋषि कपूर आकर फिल्म में ऊर्जा भर देते हैं। चौक एंड डस्टर को बनाने के इरादे अच्छे थे, लेकिन ये इरादे फिल्म के रूप में ढंग से परिवर्तित नहीं हो पाए। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।